हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट में सामान सब खरीदने के लिए, तो डुगू का कपड़ा सब खरीदना है, तो उसी कपड़ा सब खरीदने के लिए मैं जा रही हूँ हम। और देखिए कितना सारे आदमी हैं, तो वो सब जा रहे हैं। और छठ पावन है, तो छठ पर्व के लिए मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, और सामान सब बहुत ज़्यादा खरीदना है, तो वही सब खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए डुगू डुगू बोलो, तो वो अभी नहीं बोलेगी, उसको मूड नहीं है बोलने का, तो इसीलिए नहीं बोलती है। तो बताइए, आप सब ठीक होंगे, अपने अपने काम व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आप लोग को कृपा से, दुलार प्यार से मैं भी ठीक हूँ। और देखिए कितना अच्छा है गांव घर का धान जो है, तो धान कितना अच्छा उपजा हुआ है, देखिए पूरे कितना अच्छा लग रहा है। और मैं भी जा रही हूँ, तो उधर हमारे गांव का चौक है, तो चौक पे मैं ऑटो पकड़ूंगी, ऑटो में बैठ के जाऊँगी। तो मैं अपने बाबू को भी ले जा रही हूँ, डुगू है तो, और हमारी जेठानी है तो भी जा रही है, तो मज़ा आएगा जाने में। और मैं मार्केट पहुँचूँगी तो वहाँ का दिखाऊँगी, तब तक मैं यहीं पर रखती हूँ। देखिए फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, और मार्केट से आते आते समय मतलब बहुत शाम हो गया, तो इसीलिए मार्केट में मैं अच्छी तरह से वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि गांव घर का तो ब्लॉग बनाना आसान बात नहीं है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे मार्केट में तो सब हमारी तरफ देख रहे थे, बहुत ज़्यादा आदमी, बहुत भीड़ था, क्योंकि छठ है इसीलिए बहुत मार्केट में भीड़ था। तो मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा बना लिए हैं, और जहाँ हमको मन हुआ था वहाँ बना लिए थे, और बहुत आदमी देख रहे थे हमारे तरफ, तो इसीलिए मैं नहीं बना पाई। और मेरा बाबू जो था तो बहुत परेशान करते थे, और डुगू भी है तो डुगू भी परेशान करती थी, तो इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई अच्छी ढंग से। और देखिए हम जो करने के लिए गए थे मार्केट, तो वो हम करके आ गए हैं। हम मार्केट गए थे, छठ छठ आ गए हैं, तो डुगू के लिए और बाबू के लिए कपड़ा खरीदने के लिए, और कपड़ा जो हमको खरीद लिए तो आ गए हैं। और जो छठ पावन पावन का सामान लेना था तो वो सब ले लिए हैं, और हमको भी थोड़ा सा पार्लर जाना था तो वो भी हम काम करके आ गए हैं, चले गए थे पार्लर। और मेरा बाबू कितना रो रहा था पार्लर में, हम जब थी तो बहुत रो रहा था, तो मेरा जेठानी जी गई थी तो वो लेने ले लिए थे। और देखिए हम जो हमारा मेकअप का सामान था तो वो भी मैं ले लिए हैं, बहुत जल्दी जल्दी ले लिए हैं। और हमको आते आते समय मतलब इतना शाम पड़ गया, 7 बज गया है, और बहुत लेट से आ चुके घर में। हमारी सासू माँ जो है सो हम पे बोलने लगी, इतने देर में क्यों आई, तो हमको तो सुनना पड़ा, क्योंकि हमारे गलती था, इसीलिए मेरा बाबू का तबीयत ख़राब था। तो चलिए मैं डुगू के लिए, बाबू के लिए क्या सब खरीदे हैं, और मैं अपने के लिए अपने लिए क्या सब लिए हैं, तो सब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं।
तो देखिए ये स्वेटर है और बाबू के लिए स्वेटर ले ली है, क्योंकि छठ में सुबह में बहुत ठंडा लगेगा, इसीलिए उसको नहीं था, बहुत बड़ा बड़ा था इसीलिए छोटा वाला ले लिए हैं। और ये बाबू का कपड़ा है, देखिए बाबू का कपड़ा भी नहीं था अच्छा, तो इसीलिए उसको भी कपड़ा ले लिए। और ये डुबू अपना चॉइस करके लिए हैं, पसंद करके लिए हैं, देखिए उसको बहुत अच्छा लगा ये कपड़ा, और ये कपड़ा ले लिए हैं कि यही कपड़ा डुबू लिए हैं। और इसका ये इस प्रकार सेट है, और देखिए हमको ये पसंद आया तो मैं ये ले लिए हैं, चूड़ी जो है तो और दो ले लिए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, हमको पसंद आ गया, पार्लर में तो हमको लेना पड़ा तो इसीलिए मैं ले लिए हैं। और देखिए तो मैं बैठ के वही से मिला रहे थे, क्या भूले भूल गए क्या नहीं भूले, तो इसीलिए मैं वीडियो बना लिए। और आप लोगों को कुछ घर आ गए थे तो मैं वही सब दिखाने के लिए बैठ गई थी। और देखिए यही सब डुगू का कपड़ा बहुत सारा ले लिए हैं, और बहुत घर का सामान, छठ पर्व का सामान भी था, और सब्जी वगैरह और राशन का सामान भी था, तो वह सब हमको लेना पड़ा, तो इसीलिए हमको बहुत परेशान हम हो गए थे, तो अच्छी ढंग से मैं वीडियो नहीं बना पाए थे। और देखिए फैमिली हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, खाना अभी तक नहीं बना है, 7:30 बज गए हैं। तो देखिए डुग्गू सो गई है, और बाबू का तबीयत ख़राब है तो बाबू भी सो गए हैं, इसको पहले आए घर में तो दवाई पिला दिए हैं तो सो गए, इसको बुखार लगा था तो बुखार उतर गए तो इसीलिए सो गए, और डुग्गू थक गई थी तो वो भी सो गई है। तो मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने के लिए, खाना अभी तक नहीं बना है, तो बाबू सब हमको नहीं परेशान करेगा तो अच्छा से मैं खाना बनाऊँगी, नहीं तो ये परेशान करता रहता है ना, तो बाबू हमको परेशान करता रहता है ना खाना वक्त समय, तो हमको तो बहुत मतलब गुस्सा आते रहते हैं, क्योंकि बहुत ये परेशान करता रहता है, हमको खाना भी नहीं बनाने देते हैं, तो इसीलिए सो गए हैं। तो इसी तब हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, देखिए दोनों दोनों भाई बहन सो गए, तो मैं आराम से फटाफट खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, हमारे हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं दुकान पर से, तो आएँगे तो खाना बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि नहीं बनाने बनाएंगे तो बोलेगा क्या अभी तक क्या कर रही थी, इतना लेट से खाना बनाई है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट खाना बनाने के लिए, और अब बाहर में हमारी सासू माँ और जेठानी और बच्चे लोग सब हैं तो बहुत हल्ला कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अपने कमरे में आके और आराम से मैं वीडियो बना लेती हूँ। और कल कल परसों तो इतना काम था, इतना काम है ना, तो हम तो परेशान रहेंगे, और छठ आ गए हैं तो छठ में तो मज़ा लगते रहते हैं। तो कमेंट में दोस्तों लोग आप लोग बताइएगा डुगू का कपड़ा कैसा लगा, और बाबू का कपड़ा कैसा है, ये बाबू का स्वेटर कैसा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा, और हमारा चूड़ी पसंद करिएगा गाइज, तो आप लोग कमेंट में दोस्तों बताइएगा से हमारा चूड़ी कैसा है, अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो कमेंट में बताइएगा प्लीज़, ज़रूर बताना। और मार्केट में इतना भीड़ था तो बाप रे वाह, मतलब आदमी पे आदमी चढ़ रहे थे, हम लोग तो परेशान हो गए थे, क्योंकि मेरे बाबू जो है सो बहुत परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो अभी चल नहीं पा रहा है अच्छे ढंग से, तो उसको हम उंगली पकड़ लेंगे और चलाएंगे, डुगू उतना नहीं किया है परेशान, डुगू तो गुड़िया एगो थी तो उसको लिए इतना रोने लगी तो उसको भी कुछ खिलौना खरीदना पड़ा, तो देखिए मेरे बाबू सब बहुत परेशान करता रहता है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं मार्केट में बना पाए, और कुछ देर का मैं बना लिए हैं, मतलब पूरे नहीं ये तो नहीं हुआ, एक भी नहीं बनाए, हमको जो हुआ हम बना लिया, और हमारे तरफ सारे आदमी देख रहे थे ये का क्या कर रही हैं, इतना बड़ा मोबाइल ले लिया है और मोबाइल लग के वीडियो बना रही हैं, तो हमको अच्छा लगा तो थोड़ी देर बना लिया और नहीं तो छोड़ दिए। और जो दुकान में कपड़ा ख़रीदने के लिए गए थे तो उधर का भी थोड़ा सा बनाए हैं, और कपड़ा खरीदे लिए थे तो तभी का नहीं बनाए, तो हम घर आ चुके हैं, और घर में हम जो हमको काम है रूटीन है तो हम कर लिए हैं पूरे फैमिली, तो मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, बाय बाय। आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, गुड नाइट बाय।